उसमें भी जो गांव होते थे उसमें से फ्रेंड्स आज हम करेंगे क्लास 10th की यूपी बोर्ड में जो हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी पद साहित्य का जो इतिहास आता है वो करेंगे आज हम। तो ये क्लास 10th का है, तो इसमें आपके जो सिलेबस है हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपका केवल रीति काल और आधुनिक काल आएगा, क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं आदि काल और भक्ति काल के बारे में। तो हमें पढ़ना है रीति काल और आधुनिक काल। तो देखिए आप सभी को पता है क्योंकि आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का जो पद्य साहित्य क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना होगा, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो जो गद्य होता है उसमें हमारे जो कहानी होती है, जो हमारे उपन्यास होते हैं, वो सारे हमारे गद्य में आते हैं। और जब पद्य क्या होता है, पद्य होता है जिसमें हमारी कविताएं, जो भी पद होते हैं या फिर जो भी काव्य होता है वो पद्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि कविता हो गई या फिर किसी भी कवि ने कोई भी पद लिखा है तो वो सब क्या है, पद्य के अंतर्गत आएंगे। अब हमें क्या पढ़ना था, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है कि रीति काल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब कि प्रवृत्तियां, विशेषता प्रवृत्तियां दोनों एक होती हैं। ये कब शुरू हुआ था, कब से लेकर कब तक है, और जो इसी तरीके से आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे, जिससे कि आपके जो 5 नंबर का प्रश्न आता है इस विषय पे, तो आपको क्या करना है, आपको छोटी से छोटी जो चीज़ होती है मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इस टाइप से आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आदि काल यानी कि वीर गाथा काल आप पढ़ के आ चुके हैं और भक्ति काल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है और आपको जानना है तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आज बात करेंगे रीति काल और आधुनिक काल, क्योंकि जो क्लास 10th है उसके में रीति काल और आधुनिक काल ये दो ही आएंगे। तो देखिए जो रीति काल है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत में तक रहा था। जो आधुनिक काल है वो 1900 विक्रमी संवत से अब तक, यानी कि अभी भी जो है वो आधुनिक काल चल रहा है। तो आपको क्या करना है, रीति काल कब से कब तक रहा था ये याद रखना है, और जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक है ये याद रखना है। तो ये पहली बात है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो रीति काल है उसकी समय सीमा बताइए, रीति काल कब से कब तक रहा था। अब देखिए जो हिंदी पद्य साहित्य है वो 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हमें पढ़ना है रीति काल और आधुनिक काल, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम केवल रीति काल और आधुनिक काल के बारे में ही देखेंगे। तो जो रीति काल है वो मुख्यतः 2 धाराओं में विभाजित हुआ है, बटा हुआ है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति मुक्त काव्य। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अभी यहाँ पर देख लेते हैं, डिटेल में आगे देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, कौन से प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं क्या हैं। तो ये सभी आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो रीतिबद्ध आप देख ही रहे हैं, नाम क्या है, बद्ध। जो रीतिबद्ध यानी कि जो रीति थी, जो परंपरा थी, जो पद्धति थी जिसके अनुसार लिखा जाता था, उसमें बंध कर जो रचनाएँ हुई हैं वो रीतिबद्ध जो काव्य है उसके अंतर्गत आती हैं। रीति मुक्त, यहाँ पर मुक्त का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। तो जो रचनाएं रीति पद्धति, रीति का मतलब पद्धति होता है, किसी एक खास पद्धति में लिखना, किसी एक खास परिपाटी में लिखना। तो जो कवि थे वो किसी एक खास पद्धति में नहीं लिख रहे थे, वो उससे मुक्त होकर रचना कर रहे थे, वो होंगे रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है वो हमारा कहता है 5 धाराओं में विभाजित हुआ है, यानी कि जो आधुनिक काल के जितने साहित्य हैं, आधुनिक काल के जितने काव्य हैं, वो सभी के सभी 5 अलग अलग खंडों में डाले गए हैं। उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार उन्हें बांटा गया है, क्योंकि पूरा का पूरा ये किस लिए बांटे जाते हैं, कि पढ़ने में आसानी हो, कि किसी एक विशेष काल की, किसी एक विशेष समय में जो भी रचना हुई थी उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, उसके बाद जो रचनाएं होती हैं उनकी अलग विशेषताएं होती है, तो पढ़ने में आसानी हो इसी के लिए ये बांटे जाते हैं। ये भारतेंदु युग इसलिए कहा गया क्योंकि भारतेंदु के द्वारा शुरू किया गया था। द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद
युग और प्रयोगवाद और नई कविता इसी में शामिल कर दिया गया है, प्रयोगवाद और नई कविता। बहुत जगह आपको दिखने को मिलेगा कि जो नई कविता है वो एक अलग यहाँ पर बनाया गया है कॉलम, पर यहाँ पर शामिल कर दिया गया है आपकी बुक में। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज हम रीति काल पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल क्या होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो रीति काल है वो कब से कब तक था? 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रहा था रीति काल। अब रीति काल जो है इसका नाम रीति काल क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें एक खास पद्धति, एक रीति, आप रीति देखिए, रीति का अर्थ क्या होता है? जो रीति रिवाज होते हैं, जो पुराने चले हुए आ रहे हैं। जैसे कि अगर अभी आपका कोई रीति रिवाज है तो ये क्या है? आपकी पद्धति पहले से चली हुई आ रही है जिसे आप अभी भी चला रहे हैं। तो ये तो सामान्य बात हो गई कि जो रीति है वो क्या होती है, परंतु एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति क्या होती है? तो देखिए, जो रीति होती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो एक पद्धति होती है जिसके अनुसार लिखा जाता है, जिसका पालन करके लिखा जाता है, खास पद्धति में लिखा जाता है, खास परिपाटी में लिखा जाता है। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, काव्य शास्त्र में रीति का तात्पर्य, तो यहाँ पर जो रीति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो रीति है वह उसका काव्य शास्त्र में क्या अर्थ होता है, यानी कि पद्य साहित्य में क्या अर्थ है उसका। काव्य शास्त्र के विभिन्न अंग, जैसे कि जो रस है, ध्वनि, अलंकार, गुण दोष, नायिका भेद, जो नायिका भेद है यहाँ पर, जो नायिका है उसके बारे में बताया जाता है, कथन के विवेचन से है। तो जो रीति है उसका काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि जो रस ध्वनि अलंकार गुण दोष नायिका भेद, ये सारे के सारे का क्या किया जाता है, इनके अनुसार काव्य लिखा जाता है। यानी कि खास पद्धति में जितने भी कवि थे वो एक ही पद्धति में लिखते थे। वो क्या करते थे? वो दोहा लिख देते थे स्टार्टिंग में। अपने काव्य जब लिखते हैं, कविता ही लिखते हैं, तो दोहा लिखते थे और उसका उदाहरण वह संस्कृत की जो पुरानी परिपाटी थी, जो पुरानी पद्धति थी, उसे अपनाते थे। जैसे जो संस्कृत होती है उसमें दोहा लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उसी तरीके से रीति काल के जो कवि थे वो एक खास परिपाटी में लिखते थे। और ये जो परिपाटी थी उन्होंने संस्कृत के लिए रखी थी, कि जिस प्रकार से स्टार्टिंग में दोहा दिया जाता है शुरुआत में, उसके बाद उस दोहे की व्याख्या करते हुए किसी कहानी को लिखा जाता है, किसी ऐतिहासिक कहानी को लिखा जाता है। इसी तरीके से जो रीति काल के कवि थे वो भी यही करते थे। वो रस, ध्वनि, अलंकार और गुण दोष के साथ साथ जो नायिका भेद हैं इनको अपने काव्य में शामिल करते हुए एक खास तरीके से लिखते थे। पहले दोहा लिखते थे, फिर उसकी व्याख्या करते हुए किसी कहानी, किसी प्रसंग को उठाते थे। तो आप समझ चुके होंगे कि जो रीति काल है उसे रीति काल क्यों कहा जाता है। जो रीति काल है उसके और भी अनेक नाम है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है इसे, इस तरीके के और भी नाम कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो रीति काल है उसमें श्रृंगार रस प्रधान रहा था, क्योंकि इसमें जो नायिका भेद है वो प्रमुख रहा था। आगे देखिए, जिस ग्रंथ में काव्य के इन अंग या फिर उपअंग क्या है, यहाँ पर जो रस के बारे में बताया गया था, ध्वनि, अलंकार, गुण दोष और नायिका भेद का निरूपण किया जाता है, इन सबको शामिल किया जाता है, निरूपण मतलब शामिल किया जाता है, उसको ही रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे रीति ग्रंथ किसे कहा जाता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित होकर वैभव के शिखर पर था। तो हम सभी जानते हैं कि जब आदिकाल का समय था उस समय राजा महाराजा थे। जैसे जैसे आदिकाल का जो समय था वो ख़त्म होने का नज़दीक आया, वैसे ही जो मुसलमानों ने अपना राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। और भक्ति काल के आते आते मुसलमानों ने क्या किया, जो मुग़ल साम्राज्य था वो स्थापित हो गया। तो जो रीति काल है इसमें जो राजनीतिक परिस्थिति थी, यानी कि राजा महाराजाओं के स्थान पर जो मुग़ल साम्राज्य था वो प्रतिष्ठित हो गया था। जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था, यानी कि किसी को दिक्कत भी नहीं थी।
साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि जो भी साहित्य लिखा जाता है, चाहे आप वर्तमान की बात करें, क्योंकि जो साहित्य होता है वो क्या होता है, वो जो भी सच्चाई होती है समाज की उसे दिखाता है। इसलिए साहित्य पर हमेशा उसके वातावरण, जो उसका आसपास का जो वातावरण होता है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक वातावरण हो चाहे वो सामाजिक वातावरण हो। तो यहाँ पर ही राजनीतिक वातावरण की बात की जा रही है कि जो मुगल साम्राज्य है वो प्रतिष्ठित हो गया था और उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। पहले कृष्ण और राधा भक्ति के आलंबन थे। पहले तो जो रीति काल से पहले कौन सा काल आता है, भक्ति काल आता है। उसमें कृष्ण और राधा के द्वारा क्या किया जा रहा था, भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा था। इसका मतलब सभी लोग भक्ति 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 में डूबे हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो भक्ति है वो अपना रंग छोड़ती गई और जो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला दिखाई जा रही थी, अब उसे उसका नायिका भेद वर्णन किया जाने लगा। यानी कि राधा कृष्ण के माध्यम से जो लोग हैं वो, जो कवि थे, अब वह नायिका भेद का वर्णन करने लगे। जो नायिका है उसका नक्षिक वर्णन करने लगे, ऊपर से लेकर जो नीचे तक का वर्णन है वो करने लगे। वे अब श्रृंगार के आलंबन, यानी कि पहले तो भक्ति के विषय को लेकर राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता था, अब इस काल के अंतर्गत क्या किया गया, राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया गया, उनके प्रेम का वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिवर्तन भी आया इस रीति काल के अंतर्गत। पहला परिवर्तन तो यही था कि जो भक्ति काल में जो भक्ति की जा रही थी कृष्ण और राधा का नाम लेकर, अब वह रीति काल में आकर क्या परिवर्तित हो गई, श्रृंगारिक रचनाओं में परिवर्तित हो गई। उसमें श्रृंगार रस जो है उसे देखा जाने लगा। इसके बाद दूसरा परिवर्तन देखते हैं। इसके बाद दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि कवियों का ध्यान था वो साहित्य शास्त्र की तरफ गया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन से अंगों का प्रयोग किया गया था, रस का, ध्वनि का, अलंकार का। यानी कि जो साहित्य शास्त्र होता है, किस तरीके से रचना की जानी चाहिए, इसके ऊपर जो कवि हैं उनका ध्यान गया। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई है। उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना की। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। अब जो साहित्य शास्त्र है उसकी ज्ञान जो है अब कवियों को होने लगा, और उसकी तो जो वो रचना करते थे उसमें जो अलंकार है, रस है, इन सब का प्रयोग करते थे, छंद है, इनका ध्यान रखा जाता था कि इन जो ये रचनाएं, जो रीति काल में जो रचनाएं, उनमें ये सभी जो अलंकार, छंद, रस, अगर ये नहीं होंगी तो उस समय उस रचना को रचना नहीं कहा जाता था। तो इसका मतलब जो साहित्यिक शास्त्र है उसका ज्ञान कवियों को होने लगा था और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आगे देखिए इस प्रकार की रचनाओं को, तो आप देख रहे हैं हर एक लाइन में आपको कितना, हर एक लाइन में आपको समझाया गया, हर एक पंक्ति में जो यहाँ पर दी गई है, हर पंक्ति आपके लिए आवश्यक है। आप ये सोचेंगे कि इसे आप छोटे में लिख दीजिए और आपको आ जाएगा, नहीं। अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे रिलेटेड। आगे देखिए इस प्रकार की जो रचनाएँ थी वो रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। तो इस काल में जो भी रचनाएं हुई उन्हें रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस काल में ऐसी रीतिपरक रचनाएं अधिक हुई और इसी कारण इसे रीति काल कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रीति काल है उसका नामकरण रीति काल ही क्यों स्वीकार किया गया, या फिर जो रीति काल है उसका नाम रीति काल ही क्यों रखा गया। तो इसके विषय में आपको ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो ये दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि इसका नाम रीति काल ही क्यों था, क्योंकि एक खास पद्धति में, एक खास पद्धति जो शैली थी उसमें लिखा जा रहा था। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे देखिए रीति ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। जो रीति ग्रंथ हैं हमने ऊपर ही देखा था, दो भागों में विभाजित है रीति ग्रंथ, एक तो रीति बद्ध काव्य और दूसरा रीति मुक्त काव्य। तो वही बात अब यहाँ पर बताई जाएगी और कौन से कवि रीति बद्ध के हैं, कौन से कवि रीति मुक्त के हैं, उनकी क्या क्या रचनाएँ हैं, वो सभी आपको याद रखनी है, क्योंकि यही जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक जो अलंकार पर आधारित है और दूसरे वे जो रस पर, तो इन्होंने कहा है दो रूपों में जो रीति ग्रंथ है वो मिलते हैं। एक तो अलंकार पर क्या आधारित रचनाएं करते थे, दूसरी
रस पर आधारित रचनाएं करते थे। यहाँ संस्कृत की ही परंपरा का पालन दिखाई पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में जिस तरीके से दोहो पहले दोहे लिखे जाते हैं, उसके बाद उनके उनके उदाहरण देने के लिए किसी प्रसंग की व्याख्या की जाती है, वही पद्धति इस काल में अपनाई गई थी हिंदी साहित्य की जो रचना करने के लिए। केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह अलंकारवादी आचार्य कवि है, यानी कि जो अलंकार का प्रयोग करके काव्य रचना करते थे उसके अंतर्गत आपके आते हैं केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह। तो ये कौन से थे? अलंकारवादी थे, अलंकारों का प्रयोग करके रचनाएं करते थे। दूसरे जो रस का प्रयोग करके रचना करते थे वो कौन थे? मतीराम देव और पद्माकर जो थे वो रस का प्रयोग करते थे, रसवादी रचनाएं करते थे। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का विशद वर्णन किया है। जो रसवादी कवि है यानी कि जो मतीराम देव और पद्माकर है, इन्होंने कौन से रस की रचनाएं की? इन्होंने श्रृंगार रस जो है उसे अपनाया और श्रृंगार रस के द्वारा नायक नायिका जो भेद हैं नायक नायिकाओं के बारे में, उनकी मनोदशा के बारे में, उनके प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। श्रृंगार रस क्या होता है? जिसमें प्रेम का वर्णन होता है, तो वही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसे भी, अब आगे देखिए, कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि थे। तो यहाँ पर जो ऊपर जो ये कवि यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं, ये सारे कौन से हैं? रीतिबद्ध हैं, क्योंकि ये एक परंपरा में बंद कर रचना करते थे। अब आगे जो मैं आपको बताऊँगी वो रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आएंगे, जिसे मैं यहाँ पर ब्लू रंग से हाईलाइट करूँगी। तो देखिए, जो रीति मुक्त कवि के अंतर्गत और कौन आते हैं? ये जो ऊपर के थे ये रीतिबद्ध कवि हैं, तो आपको लिख लेना रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह, इसके साथ साथ मतीराम देव और पद्माकर, ये रीतिबद्ध जो कवि हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत भी क्या है, एक तो अलंकार पर लिखते हैं वो है केशव भूषण राजा यशवंत सिंह, वो जो रस के आधार पर लिखते हैं वो मतीराम देव और पद्माकर है। अब हम बात करेंगे रीति मुक्त जो काव्य थे उसके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। रीति मुक्त क्या होता है? एक रीति जो पद्धति थी, जो परंपरा थी, उससे हटकर जो रचना की गई थी, उस वो किन्होंने की थी? उसके अंतर्गत आते हैं बिहारी और घनानंद। ये जो दो नाम है वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि है रीति काल के, रीति मुक्त काव्य की रचना करने वाले। इन्होंने श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में कुछ भक्ति नीति और वीर काव्य भी रचे, यानी कि इस काल के अंतर्गत क्या हो रहा था, केवल श्रृंगारिक रचनाएं की जा रही थी, नायक नायिका भेद किया जा रहा था। हमने ऊपर भी देखा था जो कृष्ण और राधा की जो भक्ति थी उसे अब श्रृंगारिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा था, यानी कि इसमें जो श्रृंगार रस है वो प्रधान था, परंतु इस पद्धति से जो श्रृंगारिक रस का प्रयोग करना ये एक पद्धति बन गई थी, एक रीति बन गई थी। इससे हटकर किसने रचना की? बिहारी और घनानंद ने की। और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? इन्होंने भक्ति भी ली अपने काव्य में, नीति भी ली, वीर काव्य भी रचे, यानी कि वीर रस का भी प्रयोग किया। तो जो पद्धति चली आ रही थी श्रृंगार रस का प्रयोग करने की, उससे हटकर इन्होंने रचनाएं की, इसलिए ये रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बिहारी और घनानंद, ये दो नाम तो आपको याद रखने ही हैं जिन्होंने रीति मुक्त काव्य लिखे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी, अगर इनमें से भी किसी का नाम याद कर सकते हैं तो आप इनमें से भी कर लीजिए। तो आपको कम से कम तीन जो कवि हैं उनके नाम याद होने चाहिए कि ये जो कवि हैं ये कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी और घनानंद रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं, और इसमें भूषण गोरेलाल सुधन ये भी क्या है, रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध कौन रहे हैं, वो है बिहारी और घनानंद। इसी तरीके से वृंद गिरधर और दीनदयाल गिरी नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप किसी भी तीन चार जो कवि हैं उनके नाम याद कर लीजिए कि रीति मुक्त के ये हैं, और रीतिबद्ध जो काव्य जिन्होंने रचे हैं उनके यहाँ पर ऊपर आपको नाम दे दिए गए हैं। अब आगे देखिए, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो रीति काल के अंतर्गत जो प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं? क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि जो
जो 36 दशक है वो किसके द्वारा रचित है? तो आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो 36 किसके द्वारा रची गई है, ये भूषण के द्वारा रची गई है, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखे गए हैं आपको ये याद करने हैं, केशव के द्वारा रामचंद्रिका और कवि प्रिया रची गई है, भूषण के द्वारा शिवराज भूषण, शिवा भावनी और 36 दशक। इसी तरीके से मतीराम के द्वारा रसराज, ललित ललाम, बिहारी के द्वारा सतसई, पद्माकर के द्वारा पद्माभरण, जगद्विनोद और गंगा लहरी। तो ये आपको नाम याद करने हैं। तो अभी तक हमने जो देखा था वो हमने देखा कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों रखा गया, उस रीतिकाल में दो जो धाराएं थी जो दो भागों में विभाजित है रीतिकाल, एक तो रीतिबद्ध काव्य और दूसरा रीति मुक्त काव्य। तो उसके जो प्रसिद्ध कवि हैं वो देखे हमने। अब हमें देखना है कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही या फिर इसकी विशेषताएँ क्या रही। ये इसमें से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवृत्ति बताइए रीतिकाल की। तो देखिए, पहली जो प्रवृत्ति रही वो रही रीति ग्रंथों का निर्माण। इसमें जो संस्कृत की जो पद्धति थी वो अपनाई जा रही थी। मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले दोहे लिखे जाते थे और उसका उदाहरण देते हुए किसी प्रसंग की व्याख्या की जाती थी, यानी कि यहाँ पर एक रीति में बदकर क्या किया जाता था, काव्य रचना की जाती थी, रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया रीतिकाल के अंतर्गत। ये पहला इसकी विशेषता हो गई है। विशेषता और प्रवृत्ति दोनों एक ही बात होती है। इस काल में जो काव्य रचे गए उसकी क्या विशेषता है, तो देखिए पहला तो ये हो गया। दूसरा, श्रृंगार रस की प्रमुखता। हमने देखा कि जो श्रृंगार रस है वो प्रधान रहा, क्योंकि इसमें जो श्रृंगारिक रचनाएं वो काफ़ी हद तक की गई। जो नायक नायिका भेद है या नायक नायिका की जो मनोदशा का वर्णन है वो इस काल के अंतर्गत किया गया। अगला, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। तो रीति काल में जो ब्रज भाषा है उसे अधिक लोकप्रिय बनाया गया, ब्रजभाषा में ही जो काव्य हैं उनकी रचनाएं की गई। तो आप ऐसी कोई दो या आप ऐसी तीन या फिर चार रचनाएं जो विशेषताएं वो याद कर लीजिए, क्योंकि दो नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें आपकी विशेषता पूछी जाती है कि इस काल की क्या विशेषता है, किसी भी काल की पूछी जा सकती है। तो कम से कम आपको चार जो विशेषताएं वो याद होनी चाहिए। अगर चार पूछी जाए तो चार लिखिए, दो पूछी जाए तो दो लिखिए। आगे देखिए, सेवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग। जो सेवैये हैं या फिर दोहा है उनका इस तरीके के जो छंद हैं उनका प्रयोग किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले दोहा लिखा जाता था या फिर सेवैया लिखा जाता था, फिर उसका उदाहरण देते हुए उसकी व्याख्या की जाती थी, तो इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। आगे देखिए, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। जो प्रकृति है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि जब नायक नायिका भेद का वर्णन किया जाता था तो जो प्रकृति है उसका सहारा लिया जाता था, तो उसका चित्रण भी हमें इस रीति काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये भी इसकी विशेषता हो गई कि प्रकृति के ऊपर लिखा गया है। अगला देखिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो आश्रयदाता हैं यानी कि जो उन्हें आश्रय देते थे, जो कवि थे वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे इस काल के अंतर्गत भी, तो उनकी प्रशंसा करना भी उनका मुख्य कार्य होता था। अगला देखिए, कला पक्ष की प्रधानता। जो कला पक्ष है, जो काव्य रचे जाते थे उसमें किस तरीके के अलंकार जो हैं, जो किस तरीके के जो भाव हैं, किन भावों से उन्हें सजाया जाता था, किस तरीके से जो काव्य है उसे सुंदर बनाया जाता था, जो कला पक्ष है उसकी प्रधानता रही है। इसमें प्रमुख अलंकार, रस और जो छंद हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, उनके द्वारा जो काव्य होता है उसे सुंदर बनाया जाता है। तो इस पर इनका प्रमुख ध्यान रहता था और इनका मानना था अगर जो कोई अलंकारों का प्रयोग नहीं करता है या फिर रस का प्रयोग नहीं करता है तो उसका काव्य नहीं होता है। आगे देखिए, रीतिकाल की देन। जो रीतिकाल है उससे क्या मिला है, इसकी जो प्रमुख देन हम ये रही है हमारे लिए, हमारे काव्य शास्त्र के लिए जो रीतिकाल है उससे क्या मदद मिली है या फिर क्या चीज़ मिली है। सबसे पहली बात तो यही होगा कि जो साहित्य शास्त्र है उसका ज्ञान हुआ था, यानी कि जो अलंकार है, रस है, इन सब का ज्ञान हो पाया था इसके अंतर्गत।
और जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग भी इसके अंतर्गत हुआ था। तो जो ब्रज भाषा है वो भी उसे भी मुखरने में क्या हुआ, मदद मिली। तो यही क्या है, इसके रीतिकाल की देन रही है। इसी के साथ जो रीतिकाल है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर इसके विषय में आपका कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।